सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो आप क्या करोगे? क्या गाड़ी से उतरते ही ये बोलना शुरू कर दोगे कि यार टायर तुझे पंक्चर नहीं होना चाहिए था, तुझे भी आज ही पंक्चर होना था क्या? बाकी टायर्स को देख, वो सब तो ठीक है, काश तू भी ठीक होता। तेरी तो किस्मत ही खराब है। रास्ते में एक तो ये कील नहीं होनी चाहिए थी जिससे तू पंक्चर हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। क्या ये सब करोगे आप? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। मैकेनिक को कॉल करोगे, पंक्चर ठीक करवाओगे या टायर चेंज करवाओगे। और अगर मैकेनिक नहीं भी मिलता है तो स्टेफनी चेंज करने का काम इमरजेंसी में शायद आप खुद भी कर लोगे। वहाँ खड़े खड़े आप भले ही कितनी भी विशेष कर लो, कितनी भी कंप्लेंट्स कर लो, लेकिन वो टायर अपने आप ठीक नहीं होगा, उस पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। वहाँ आप कुछ भी करोगे लेकिन उस सिचुएशन में गाड़ी को फिर से चलने लायक बनाओगे, ना कि वहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट करोगे। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टायर पंक्चर हो चुका है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि जब तक इसे ठीक करने के लिए इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सपनों की गाड़ी का टायर पंक्चर पड़ा है, उसे फिक्स क्यों नहीं करते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्यों विशेस करते हो, काश ऐसा होता, काश वैसा होता? क्यों कंप्लेंट्स करते हो, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो मैं ये करता, वैसा होता तो मैं वो करता, मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या ये सब बहाने और टाइम वेस्ट नहीं है? अगर इस गाड़ी के टायर की तरह आपने अपने सपनों पे सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो आपके लाइफ की गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या विश और कंप्लेंट करने से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? आप जो चाहते हैं वो होगा? बिल्कुल नहीं। और ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो किससे होगा? उस पर काम करने से, उसके लिए एक्शन लेने से। आपको एक्शन की आदत डालनी पड़ेगी, ना कि विश और कंप्लेंट्स की। सो स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आएगा तो करूंगा, तो दोस्त सही टाइम कभी नहीं आएगा। जो टाइम चल रहा है वो एक्शन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो उठ और जो सोच रखा था तूने कल करने का उस पे एक्शन ले और आज से ही शुरू कर दे, वरना कल करते करते तो पूरी लाइफ निकल जाएगी और बाद में सिर्फ गिल्टी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी तुझ में जो एनर्जी है, जो जुनून है, वो फिर नहीं आएगा। तो सोच मत और स्टार्ट कर दे, अपने सपनों की गाड़ी का टायर फिक्स कर दे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ने में बहुत जोर आ रहा है। मन करता है कल पढ़ लूंगा, मंडे से पढ़ लूंगा, एक तारीख से पढ़ लूंगा, थोड़ी देर दोस्त से बात कर लेता हूँ, अरे अभी तो बहुत टाइम है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, काश मेरे पास इन्वेस्टमेंट होता, काश मेरे पास पार्टनर होता, काश इतना कंपटीशन नहीं होता, काश ये काश वो। ऐसा कब तक करता रहेगा मेरे भाई? तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्शन लेना जरूरी है, फिर चाहे छोटी शुरुआत कर लेकिन एक्शन ले। जितना टाइम और एनर्जी विश और कंप्लेंट्स करने में लगाता है, उतना टाइम और एनर्जी काम करने में लगा। देख भाई, टाइम तो लाइफ का फिक्स है, घंटे भी उतने ही रहेंगे, मिनट्स भी उतने ही रहेंगे और साल भी उतने ही रहेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इस चीज का है कि तू कितनी जल्दी एक्शन लेता है और कितनी जल्दी अपनी लाइफ के उस पंक्चर टायर को फिक्स करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली मोटिवेशनल वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।